कोरोना जब आया तब बहुत सारी चर्चा थी, लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद, कल कारखाने बंद, ऑटो रिक्शा बंद, रेडी पटरी बंद, गरीब क्या खाएगा। बात तो सच थी, क्या खाएगा। मोदी जी ने एक निर्णय किया, देश के 80 करोड़ गरीब और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दलहन, तेल और नमक देने का काम करकर गरीबों के चूल्हे को जलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, गरीब कल्याण का जो यज्ञ मोदी जी ने चालू रखा है, ये सपा वाले आए तो चालू रखेंगे क्या? रखेंगे भाई, बताओ। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सपा वाले तो आए तो फिर से गुंडई, ये बाहुबली आएंगे, माफिया आएंगे, गरीबों की जमीन छीनेंगे। आज मैं कह सकता हूं, 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अतीक अहमद आज कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। आजम खान कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? कभी गए थे जेल में? गए थे क्या? और अगर गलती से भी अखिलेश आ गए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? योगी जी ने सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया है मित्रों, समाप्त कर दिया।